यस सर हो गया। सेवनाम सेशन लाइव हो गया। ओके तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। एक मिनट दीजिएगा। ओके तो क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है कि बैक स्पेस स्ट्रिंग कंपेयर, कि हमने अपनी बैक स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। तो कोई पार्टिसिपेंट स्टेटमेंट को रीड करना चाहता है जो हमें जी स्टेटमेंट समझा देगा। जी जी करें सर, मैं जी सर, आप कर कर लें सकते हैं। प्लीज सर, आप कर लें। ओके तो मैं ही कर देता हूँ। अच्छा, ये बैक बैक स्पेस स्ट्रिंग कंपेयर। अच्छा, वो कह रहा है कि गिवन अ टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी, हमें दो स्ट्रिंग दी गई हैं, एक एस वाली और एक टी नाम की, राइट। उसके बाद कह रहा है रिटर्न ट्रू इफ दे आर इक्वल, कि अगर ये जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं वो इक्वल हैं तो हमने सिंपली रिटर्न करवाना है टू। व्हेन बो टाइप इनटू एम्प्टी टेक्स्ट एडिटर हैश मीन्स बैक स्पेस करेक्टर। अच्छा, अब क्या क्या रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि हमें दो स्ट्रिंग दी गई हैं एस और टी के नाम से। हमने क्या करना है, इस स्ट्रिंग में चेक करना है अगर हैश एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने क्या करना है, इस हैश को रिमूव करवा देना है। और जो उसके बाद जो एरे में ये स्ट्रिंग में एलिमेंट बचेंगे उनकी अगर हमने चेक करना है, उनकी लेंथ अगर बराबर है तो हमने क्या करना है, रिटर्न करवा देना ट्रू, अदरवाइज हमने रिटर्न करवा देना है फॉल्स। अगर हम हैश को, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल मैं देखता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एस ये वाली हमारी एस नाम से ये एक स्ट्रिंग है, इसमें मल्टीपल एक हैश आ गया ये के बाद, उसके बाद रैंडम कोई सी और डी ये एलिमेंट्स आ गए, और दूसरी स्ट्रिंग हमें दी गई है टी नाम से और उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं एक्स और हैश और वाई, बस ये आ रहे हैं। अब हमने क्या, हमारा टारगेट क्या था, हमने ये हैश को अपनी स्ट्रिंग में से रिमूव करवाना है, ठीक है। जब हैश रिमूव करवाएंगे तो हमारा पीछे क्या बचेगा, स्ट्रिंग में एलिमेंट्स ए सी और डी, राइट। तो उसके बाद हमें ये एक स्ट्रिंग मिल गई हैश रिमूव करके। अब दूसरी स्ट्रिंग हमें क्या दी है, एक्स हैश वाई। तो इसमें से हम हैश को रिमूव करवाएंगे, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एक्स और वाई, ये बचेगा। हमने अभी ये जो दोनों आंसर आए हैं इन दोनों की लेंथ को कंपेयर करना है, अगर तो इन दोनों की लेंथ बराबर है तो हमने सिंपली रिटर्न करवा देना ट्रू, अदरवाइज हमने रिटर्न करवा देना फॉल्स। तो हमने अब दोबारा क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे जाते हैं और स्टेटमेंट को कंफर्म कर लेते हैं कि ऐसे ही है। अच्छा, वो कह रहे हैं गिवन अ टू स्ट्रिंग एस एंड टी रिटर्न ट्रू इफ दे आर इक्वल व्हेन बोथ आर टाइप्ड इनटू अ एम्प्टी टेक्स्ट एडिटर मीन हैश मीन्स द बैक स्पेस करेक्टर। यानी हैश हमें जब भी आ गया ना, हमने उसको सपोज करना है कि बैक स्पेस करेक्टर है। तो अब इसको तो हमने पहले सिंपल अप्रोच से देखा, बट असल में अब ये कहना जो चाह रहे हैं ना वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो हमने पीछे देखा है वो एज अ मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है, अब असल में जो कह रहा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली में क्या क्या रहा है। अच्छा, अभी हमें दो स्ट्रिंग दी गई हैं, एज यू नो के दो स्ट्रिंग दी गई हैं। हमने क्या करना है, अगर तो हमें हैश मिल गया, उसने कहा हैश मीन्स बैक स्पेस करेक्टर, कि हैश जो आ गया ना इसका मतलब है बैक स्पेस करेक्टर। बैक स्पेस करेक्टर से मतलब यानी जब अपने कीबोर्ड की हम बैक स्पेस को इमेजिन करें, तो एक मिनट यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि बैक स्पेस का यहाँ पे मीन क्या है। मैं यहाँ पे एक्स स्लाइड पे जाता हूँ। जी।
अच्छा तो बैक स्पेस का मेन गया। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं ना यहाँ पे कोई भी रैंडम कैरेक्टर लिखता हूँ, ये मैंने कैरेक्टर लिख दी, तो यानी यहाँ पे मैं हैश भी एक ऐड कर लेता हूँ क्वेश्चन में दिया गया है। तो लेट्स सपोज मैंने ना एक कैरेक्टर लिख दी है, कुछ कैरेक्टर लिख लिए, ठीक है। अब उसने कहा है कि जब आपको हैश वहाँ मिला ना, ये जो आपकी गिवन स्ट्रिंग हैश का मतलब है, जैसे वो कह रहा है, एक मिनट ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है हैश मीन्स बैक स्पेस करेक्टर, हैश का मतलब है बैक स्पेस करेक्टर। बैक स्पेस एज यू नो कीबोर्ड में जब हम ये यूज करते हैं एज यूजल, कि हमें जब ये बैक स्पेस का मतलब क्या होता है कि एक स्पेस को बैक कर दो, ये हैश मिल गया हमें, हैश मिला हमें, देखा हैश मिल गया, अब हमने एक बैक स्पेस करनी है। तो बैक स्पेस जब मैं अपने कीबोर्ड का दबाऊंगा तो ये करेक्टर हमारा मूव हो जाएगा और ये हमारा पीछे ये जो एरे है ये बचेगी। बैक स्पेस का मतलब एक्चुअल में एक एरे है, कि जैसे यहाँ पे अगर मैं दोबारा दिखाऊँ, एक मिनट ये क्वेश्चन है, तो जैसे मैं दोबारा दिखाऊँ कि बैक स्पेस मीन्स ए हैश मीन्स अ बैक स्पेस करेक्टर, कि हैश का मतलब है बैक स्पेस करेक्टर, यानी जब हमें हैश मिल गया उससे हमने पिछला जो एलिमेंट्स होगा ना उसको रिमूव कर दिया, इन सिंपल वर्ड। तो क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन तो वो पूछ सकता है। सर मतलब जो हैश के जो पीछे वाला लेफ्ट साइड पे होगा उस एलिमेंट को भी डिलीट करेंगे, हैश को भी जी डिलीट करेंगे सर। जी यही हमने हैश पे कंडीशन लगानी है, अगर तो हमें हैश मिल गया उससे पीछे जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव करवाना। जैसे हम स्टेटमेंट देखें तो वो ठीक कह रहे सर, हैं मेन्स बैक स्पेस करेक्टर। बैक स्पेस करेक्टर क्या होता है कि हम जब अपने कीबोर्ड का बैक स्पेस दबाते हैं तो हमारा अपने जो जहाँ पे कर्सर होता है करंट, तो जब हम बैक का दबाते हैं तो उससे पिछला एलिमेंट रिमूव होता है, राइट। अगर डिलीट का दबाते हैं, अब यहाँ पे अब लेट्स सपोज वो कह रहा था डिलीट, अगर हैश का मीन्स है डिलीट, डिलीट भी तो हमारे कीबोर्ड पे होता है ना, जब हम डिलीट करवाते हैं तो राइट साइड से वैल्यू रिमूव होती है, और जब हमारे बैक स्पेस दबाते हैं तो हमारी लेफ्ट साइड से मूव होती है, राइट। बिल्कुल इस सिनेरियो ये इसमें कह रहे हैं, बस इसने हैश का लफज यूज कर दिया इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, बस है कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर, एज यू नो अब यस मैं आप लोगों से ये सर, तो नहीं पूछूंगा, आप लोगों के माइंड में कोई अप्रोच आ रही है तो बताएं, हम उसको लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है हम स्टैक ही डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टैक का क्वेश्चन है, इस वजह से मैं नहीं फिलहाल पूछ रहा, तो हमें पता स्टैक है। तो अब स्टैक से हमें कैसे पता चला कि ये सर स्टैक का ही क्वेश्चन है? अब लेट्स सपोज अगर हम कहीं और डेटा स्ट्रक्चर से भी कर सकते थे, अब ये स्टैक से क्यों करेंगे, इसका कोई आंसर कर दे मुझे। सर मैं यही चीज पूछना चाह रहा था कि मुझे तो ये स्ट्रिंग से भी होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रिंग को इटरेट करेंगे और उसके अंदर थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी है तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी तो सर, फर्स्ट तो अप्रोच अप्रोच बता दें उसकी, कैसे लगाएंगे हम, के सिंक के थ्रू कैसे करेंगे, थोड़ा सा आइडिया दे दें। सर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम हमारे पास दो स्ट्रिंग है, हम हर स्ट्रिंग के जी ऊपर करेक्टर बाय करेक्टर आइटरेट करें और जहां पे ओके हमें ये हैश मिला हम इस करेक्टर को और इससे लास्ट करेक्टर जो है उसको डिलीट कर दें। इस करेक्टर या को, हम ऐसा भी और कर सकते हैं कि सर हम मैं यहाँ पे थोड़ा सा राइट भी कर देता हूँ सर, तो लेट से मेरे पास एक टेम्प का वेरिएबल है जिसके अंदर मैं एस को स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है सर। तो जी मेरे पास टेम्प प्लस ये तो बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, टेम्प सर मैं नीचे लिख रहा हूँ ठीक है, प्लस आगे वो जो भी करेक्टर है इसके ऊपर हमारी इफ कंडीशन है कि अगर हमारे पास हैश नहीं है नॉट तो ये स्टेटमेंट चलेगी, और एल्स के अंदर हमारी ये स्टेटमेंट हो जाएगी कि टेम्प इक्वल्स टू टेम्प -1। तो सर हमारा ये काम पूरा हो जाएगा कि टेम्प हमारी एट द एंड ये जो हमारी है एसी ये हमारा बन जाएगा। मे बी ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है अच्छी अप्रोच है आपकी भी, बट हम स्टैक क्यों यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन ये था मेरा, अच्छा सर ये हमें अप्रोच सही इसमें है ऐड जी जी आपको। सर जैसे हमारे पास ना अगर कोई हैश आती है तो हमने वो उससे प्रीवियस करेक्टर डिलीट करना है, अगर हम स्टैक यूज करते हैं तो वो हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि वो स्टैक के टॉप पे पड़ा होगा प्रीवियस एलिमेंट, तो उसमें हम वो अपन ऑपरेशन लगा के वो टॉप पे वो प्रीवियस एलिमेंट डिलीट कर लेंगे स्टैक की हेल्प से। हाँ जी इसके लिए ऐसे ही है, उसके
के थ्रू हम इजीली काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने कल अभी रिसेंटली डिस्कस किया है, मैम ने जैसे समझाया था। सर आपने बहुत अच्छा आंसर किया, बट हम यहाँ पे स्टैक इन केस इसलिए यूज करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि हमने अब इसमें हमें ज्यादा आइटेशन करने की करेक्टर को चेक करने की जरूरत नहीं, हम स्टैक के थ्रू सिंपली कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, अगर हमें हैश मिला तो उससे स्टैक में से वो पॉप करवा देना, उससे पिछला जो एलिमेंट होगा तो स्टैक में से पॉप हो जाएगा, तो बस पॉप हो गया, बैकस्पेस गई, तो हमारा काम हो गया। अब इसको ना ड्राई रन करके दिखाता हूँ मैं कैसे कर, मैं एक कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक सर, है इसके ना हमें। क्वेश्चन के एंड पे एक फॉलो अप लाइन लिखी है, वो थोड़ी सी ओके जी, प्रॉब्लमेटिक है, वो थोड़ा भी सा देख नीचे लेते जाइए। हैं, मैंने देखा है ना। अच्छा, ठीक हो गया। प्लीज तो कैन यू सॉल्व इट इन ऑफ एन टाइम एंड ऑफ वन टाइम वन स्पेस। अब ये इसकी वजह से हमें पता चला कि जी इसमें हमें मेन बता रहा है कि स्टैक क्यों, इस तो स्टैक हम क्यों यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो स्टैक ही है। जैसे मैंने कल टाइम कॉम्प्लेक्स और स्टैक स्पेस कॉम्प्लेक्स का भी ओवरऑल आइडिया दिया था, तो उसके हिसाब से कोई मुझे बता दे कि ये क्या कहना चाह रहा है, कि कैसे कैसे यहाँ पे स्टैक हमारा इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, कैसे हम यहाँ पे स्टैक कर रहे होंगे। सर, ओ वन दिया हुआ ना स्पेस, उसकी कॉम्प्लेक्स जो डीवी है कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन है, तो वो कल जैसे मैम बता रही थी वो स्टैक में यूज होती है, दैट्स व्हाई। हाँ जी एग्जैक्टली ऐसे ही है, और जो ओ पेन हमारी टाइम को लेक्सी लगेगी वो हम लूप तो लगाएंगे, क्योंकि आइटरेट कर रहे हैं अपनी एरे पे जो गिवन होगी, तो इसके वजह से हमारी जो टाइम कम लगती होगी वो ओ पेन होगी, बिग ओ पेन, राइट। इस वजह से हमें पता लग गया यहाँ पे हमारा स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज होने वाला है, तो हम इसको यहाँ पे इसके थ्रू हम अपना क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, राइट। अब इसका ड्राई रन देखते हैं कि हम ये एक्चुअल वर्क कैसे करेंगे इसमें। अच्छा जैसे कि मैंने आपको सर, आप बताया, इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं कि हम ये कैसे पता चलेगा कि स्टैक हम यहाँ पे यूज करेंगे, स्ट्रिंग से करेंगे हम जी इसको? श्योर मैं कर देता है, ठीक है मैम। अगर तो आपने कल का लेक्चर लिया हो, जैसे मैम आई थिंक जो भी थी उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो हमारी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है ना, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्स ही होती है बिग ओ वन, यानी इससे कि हम राज के हमारी ये टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स अभी इस सेशन में आई थिंक डिस्कस नहीं किया, बट इन जनरल ये ले लेंगे ये हमारी कम स्पेस होती है, यानी कम स्पेस लेगा और हमारा काम हो जाएगा। तो बिग ओ एन हमारी ये जो, अब कम स्पेस हमारा ये एक टाइम कॉम्प्लेक्स होती है, डिफरेंट काइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती है स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये स्पेस कॉम्प्लेक्स थी बिग ओ वन हमारी ये जो होती है ना स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की होती है, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है बिग ओ एन वो हम लूप तो लगा रहे होंगे क्योंकि आइटरेट करने आ रहे पे, तो इस वजह से हमारी ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ओ एन होगी। ओके सर, ओके तो ना हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं कि आइडिया क्या है। तो स्पेस अच्छा और तो टाइम ना कॉम्प्लेक्सिटी पे भी थोड़ा सा एक लेक्चर रख लें जी तो। जी मैम, अभी हमने डिटेल में से टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करना है, वो आजकल में मैं डिस्कस करता हूँ सर से, तो हम कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा तो एक्चुअल में आइडिया क्या है कि हम इसमें क्या करेंगे, हमें अब ये दो इनपुट दिए हैं ना, तो अगर हम जनरल सोचें तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या करना है, दो स्टैक्स बना ली, एक ये स्टैक बना ली और एक ये स्टैक बना ली, राइट ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये जो एरे में एलिमेंट्स है ना इनको ये एस वाले में और टी वाले में इन दोनों को ना स्टैक में फेंकना शुरू कर देना है। ये जो अगर यहाँ इस वाले एरे में पहला एलिमेंट्स हमारे पास क्या आया, वो आया हमारे पास ए, तो मैंने इसको स्टैक में रख दिया, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से ए आया स्टैक में रख दिया। अब हम टी वाली स्ट्रिंग में देख लेते हैं, टी वाली स्ट्रिंग में पहला एलिमेंट कौन सा है, हमारे पास हैश तो नहीं है, ए ही है, एलिमेंट ही है, हैश नहीं मिला, तो इस वजह से हमने एलिमेंट मिला है तो उसको उठाया और अपनी एरे में रख दिया। एरे हमारे पास जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो भी ए है, तो हमने इसको भी रख दिया अपनी एरे में, राइट। उसके बाद फिर ऐसे ही हम अपना सेकेंड एलिमेंट को देखेंगे, तो एक मिनट यहाँ से मैं मूव कर दूँ। अच्छा तो अब हमारा नेक्स्ट आइटेशन चलेगी, अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा बी, जो से एस में हमने देखा वो हैश नहीं है, हैश नहीं है तो कुछ भी नहीं, बस अगर तो हैश नहीं है तो सिंपली पेंड करवाई, जो हमने क्या किया है जब बी को उठाया और अपनी स्टैक में रख दिया, राइट। और ऐसे अगर हम टी के हिसाब से देखें, टी में भी अगला एलिमेंट डी है,
मैं डी को उठाया अपनी स्टैक में रख दिया। कंडीशन हम हैश पे देख रहे होंगे। अभी हम सिंपली अगर हमें कोई एलिमेंट मिल जाए ना, हमने क्या करना है, सिंपली उसे स्टैक में अपनी फेंकी जाना है। तो यहाँ पे डी आया, इसको हमने स्टैक में रख दिया, एज एज यू नो के। अच्छा अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। दो एलिमेंट्स आए, वो हैश नहीं थे, हमने उन्हें अपनी स्टैक में रखी गई। अच्छा अब यहाँ पे हमारा एलिमेंट जो आया ना, वो हैश आ गया, ये मसला करेगा। अब यहाँ पे हमारा मेन काम हो रहा होगा, हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है इफ ये जो एलिमेंट है, ये जो करंट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, अब यानी मैं लेट्स सर, सपोज जी यहाँ पर आपने दो रेज बनाई है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन है? ओ ये तो मसला है, ये मैं जनरल अप्रोच डिस्कस कर रहा था, ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जी उस फर्क है। ऑर्डर ऑफ वन कैसे आप जी करेंगे? जी ऑर्डर ऑफ वन नहीं आएगी, ऑर्डर ऑफ वन नहीं आएगी, एग्जैक्टली नो, मेरा कहने का मतलब है कैसे आएगी ऑर्डर ऑफ वन? ऑर्डर ऑफ वन की उसकी डिफरेंट अप्रोच होगी। तो अभी मैं एज आ ये हमने टाइम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डिस्कस की, और यहाँ पे बिगनर एज यूजुअल ज्यादा है, तो इस वजह से मैंने इसको सिंपल रखा है क्वेश्चन को। नहीं तो इसको हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, तो वो थोड़ा एडवांस हो ना, तो इस वजह से मैंने चीज़ों को सिंपल रखते हुए ये क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इसको क्वेश्चन को सोल्व करूँ ना, तो हमारा काम तो ये हो जाएगा, बट मसला यहाँ पे ये आएगा कि ये बिगनर से काफ़ी इनको समझ नहीं आएगी। इस वजह से मैंने चीज़ों को सिंपल रखने के लिए, अभी जब हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेंगे तब हम ये इसको देखा करेंगे। अभी हमने डिस्कस नहीं की, इस वजह से मैंने चीज़ों को सिंपल रखने के लिए सिंपल से अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया कि हम यहाँ पे अपना काम ये जो हमें गिवन दिया हुआ है उसके हिसाब से भी नहीं कर रहे, हम ऑफ वन में नहीं कर रहे, यहाँ पे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आप जब हम डिस्कस कर लेंगे तब हम उसको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी देखा भी लेंगे, अभी हम इन जनरल कर रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा दी है जो एस डॉट आई, यानी इसमें जो ये करंट एलिमेंट है वो इक्वल आ गया किसके, हैश के। अगर तो हमें हैश मिल गया तो ये कंडीशन लगाई हुई थी मैंने। अब मैंने देखा है जो करंट एलिमेंट हमें वो मिला है हैश, ये वाला वो मिला है मुझे हैश। मैंने क्या करना है, ये जो स्टैक में से पॉप करवा देना उस जो उससे पिछला लास्ट पे जो अपेंड करवाया होगा एलिमेंट, लास्ट पे हमने अपेंड क्या करवाया था, हमने करवाया था बी। तो मैंने क्या किया, बी को उठाया स्टैक से बाहर, बी को उठाया स्टैक से बाहर, और स्टैक में क्या हुआ है, यहाँ से बी रिमूव हुआ और वो स्टैक से बाहर चल गया, राइट। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटरेशन चली, हमारा पॉइंटर आया सी पे, तो हमने देखा है हैश नहीं है, तो हैश नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है। फिर हमने क्या किया, उसे उठाया और अपनी स्टैक में रख दिया, तो ये हमारी फर्स्ट स्टैक तैयार होगी। तो अब ये सेकंड स्टैक को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा अब इसमें दो दो एलिमेंट्स तो हमें हैश नहीं थे, हमने उसको सिंपली पेंट करवा दिया अपनी अरे में। अच्छा अब तीसरा जब हमें हैश मिला, हमने फिर वही कंडीशन चेक कर रहे होंगे, हम कह रहे हैं कि अगर ये जो करंट एलिमेंट है, अगर हमें हैश मिल गया है, तो हैश मिल गया तो ये मसला है, तो इसके इसका मतलब हमें बताया कि इसका मतलब है ये, जैसे क्वेश्चन में इसने बताया हैश मीन बैक स्पेस करेक्टर, हैश का मतलब है बैक स्पेस करेक्टर, यानी हैश मिल गया है तो उसने हैश ने क्या करना है, अपने पिछला एलिमेंट को रिमूव करवाना है। उससे पिछला एलिमेंट कौन सा, डी है जो हमने लेटेस्ट पेन करवाया था। उसने क्या किया, हैश मिला डी को उठाया बाहर, क्योंकि उसे हैश मिल गया उस मतलब ही ये है कि बैक स्पेस, तो हमने जो लेटेस्ट एलिमेंट पेन करवाया होगा ना उससे हमने पॉप करवा देना है, तो इसे उठाया और हमने बाहर निकाल दिया। तो अब एरे में जो एलिमेंट बचेगा वो हमारे पास बचेगा ए, सिंपल है ए, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन चलेगी और यहाँ पे हमारा एलिमेंट आएगा सी। तो सी हमने देखा ये हैश नहीं है, तो अगर हैश नहीं है तो हम क्या कह रहे थे, सिंपली पेंट करवा रहे थे, हमने सी को अपने स्टैक में पेंट करवा दिया। तो ठीक है अब यहाँ तक तो हमने काम कर लिया, दो स्टैक हमारी तैयार होगी जो आंसर में होने वाली। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, अब हम ये कंडीशन अब यहाँ तक तो हमें पता लग गया। अब कंडीशन में यहाँ पे क्यों लगाऊंगा, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि जैसे हम क्वेश्चन रीड करें, गिवन अ टू स्ट्रिंग रिटर्न इफ दे, वो कह रहे हैं कि गिवन अ टू स्ट्रिंग एस एंड टी रिटर्न ट्रू इफ दे आर इक्वल व्हेन बोथ
टाइप इंटू एम टी टेक्स्ट एडिटर, कि यानी इसका सिंपल वर्डिंग में ऐसे ले लें कि आपने इसकी लेंथ को भी चेक कर रहे होंगे, अगर इनकी लेंथ बराबर आएगी, इन केस अगर बराबर आएगी तो हमने ट्रू रिटर्न करवाना है, अदरवाइज अगर हमारे पास इनकी लेंथ बराबर नहीं आती तो हमने रिटर्न करवा देना है फॉल्स। तो हमने इस केस में देखें तो हमारी इस सैरे की लेंथ भी टू है और स्टैक की, इस स्टैक की भी लेंथ टू है, तो हमने क्या करना है, हमने देखा लेंथ बराबर है यानी इसकी लेंथ बराबर है इसके, तो हमने क्या करना है, सिंपली इस स्टैक इसकी जगह रिटर्न करवा देना ट्रू। अगर इन केस हमारे पास यहाँ पे एक और एलिमेंट होता है यानी एक्सपोज कर लें, तो इस केस में हम यहाँ पे रिटर्न करवाते फॉल्स। अप्रोच समझ आ गई? क्लियर है सबको? आई थिंक क्लियर होगा सबको, तो आगे मूव करें। हाँ जी ओके सर, तो ठीक हो गया ना, जी सर, मैं जो बनाया हुआ है इसको तो पहले रिमूव करें। अच्छा अब एज यू नो कि मैंने यहाँ पे यूज कर रहा था दो स्टैग, तो दो स्टैग्स बना लेते हैं। एक मैं स्टैग का नाम रख देता हूँ आंसर वन और दूसरी स्टैग का नाम रख देता हूँ आंसर टू। एक मिनट, यहाँ पे टू, ये दो स्टैग बना ली, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, ये इस पे भी आइटरेट कर रहे थे और इस सारे पे भी आइटरेट कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, एक लूप लगा दी एस वाले पे, फॉर आई इन एस, इस पे मैंने लगा दी फर्स्ट स्ट्रिंग पे लूप, राइट। उसके बाद मैं क्या कर रहा था, अगर तो हैश नहीं है एलिमेंट डायरेक्टली, उसे अपेंड करवा रहा था अपनी ये जो गिवन स्टैक बनाई है उसमें, तो मैंने लूप लगाई। उसके बाद मैं क्या करूँगा, तो आंसर वाली जो स्टैक बनाई है हमने, एक मिनट, आंसर वाली स्टैक वन जो बनाई है उसमें सिंपली अपेंड करवा दूंगा अपना ये जो करंट एलिमेंट होगा, राइट। बट अब मैंने ये भी तो हैश के लिए भी तो कंडीशन डिफाइन करनी है ना, तो ये तो मैं सिंपली अपेंड करवा रहा हूँ अपने एलिमेंट्स, बट हैश भी तो चेक करना है। तो एक कंडीशन से पहले, ये जो अपेंड करवाने से पहले हम एक कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे, इफ ये जो हमारा करंट एलिमेंट है वो हुआ हैश, हैश मीन्स हमने क्या पढ़ा है, हैश मीन बैक स्पेस। तो ऐसा करना, आंसर डॉट, एक मिनट, आंसर वन में से पॉप करवा देना एलिमेंट को, राइट। तो यहाँ पे हमने एक काम कर लिया एस वन के लिए, अब हम एस टू के लिए भी एक यही काम कर लेंगे। तो ऐसे ही लूप लगाएंगे, फोर आई, एक मिनट, फोर आई इन इन टी, उसके बाद फिर ये कंडीशन लगा देंगे, इफ ये जो आई पे जो एलिमेंट पड़ा है वो हैश आ गया, तो आप क्या करवाना, हैश आ गया तो फिर मसला हो गया, तो इसके पिछला जो रिसेंट एलिमेंट आएगा उसे रिमूव करवाना है। रिसेंट एलिमेंट हमारा जो भी आंसर टू में होगा उसे पॉप करवा देंगे। सर इसमें दो और एम्प्टी स्ट्रिंग्स हो सकते हैं। सर वो बाद में डिस्कस करते हैं, एक मिनट। तो अभी ये कोड में ही मसला है, मैं कोड भी पूरा इतना करेक्ट नहीं लिख रहा, इसको मैं समझाता हूँ। तो हमने, अगर हमने देखा हैश मिला तो पॉप करवाना है, उसके अलावा अगर नहीं मिला हैश तो सिंपली आपने क्या करवाना है, अपेंड करवा देना है, एक मिनट, यहाँ पे अपेंड करवा देना जो करंट एलिमेंट होगा, करंट एलिमेंट हमारा जो भी होगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने कर दिया, अब एंड पे हम क्या कर रहे थे, दोनों स्टैक की लेंथ को चेक कर रहे थे, अगर वो बराबर है तो हमने रिटर्न करवा देना ट्रू। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगाएंगे और हम कहेंगे आंसर वन अगर तो इक्वल है आंसर टू के, तो यहाँ हमारा सिंपली रिटर्न हो जाएगा टू, अदरवाइज सर फॉल्स। बट यहाँ पे अब मसला है इस कोड में, मसला सर क्या एक है, बात जी पूछनी थी जी मैम, सर, इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 पे जाए ना, ओके एग्जाम्पल नंबर 3 है इधर सर। जी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फॉल्स क्यों रिटर्न हो रहा है, ट्रू क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जी वही देखिए ना, अब जैसे ही हैश आएगा जी तो वो लेफ्ट वाला वो जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, तो सी और बी रह जाएगा, तो उनके तो लेंथ इक्वल होगी, तो फॉल्स क्यों है? ओके। तो यही चीज को हम ना अब डिस्कस करने वाले हैं जी, ऐसे ही एग्जांपल थ्रू। अब इसमें अप्रोच आई थिंक हमारी ये होगी कि हम बैक स्पेस, तो हमारा यहाँ पे, एक मिनट, मैं यहाँ पे एक स्लाइड पे जाऊँ, तो
यहाँ पे आता हूँ इसको, मैं आई थिंक बैक स्पेस का ना थोड़ा सा मसला हो गया कोड में। उसमें सीन था कि हमें हैश मिली, यहाँ पे हमने इटरेट स्टार्ट किया, हैश मिली, हमने यहाँ पे बैक स्पेस लगा दी, बैक स्पेस लगाई, हैश रिमूव होगी। हैश को हम बेसिकली हम रिमूव कर रहे होंगे आई थिंक, जो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, तो उसमें एक सीन है, मैंने आपको क्या यहाँ पे बताया, मैंने कहा था कि ये जो आपका एक मिनट, मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आप है बैक स्पेस का मतलब है जी, आपको जब हैश मिलेगा तो आपने क्या करवाना है, हैश तो मिल गया बट उससे पिछला एलिमेंट को भी रिमूव करना है, ये कहा था ना मैंने, राइट? अच्छा, अब यही तो जी मसला है सर, कोड में, यही तो कोड में मसला है। अब कोड में हम क्या कर रहे हैं, अगर तो हम आइट्रेट करवा रहे हैं सिंपल, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर हैश नहीं है तो अपने एलिमेंट्स को अपेंड करवाई जा रहे हैं, अदरवाइज हम अगर हैश मिल गया तो पॉप करवाई जा रहे हैं, राइट? ऐसे ही है, तो ऐसे ही है, ठीक है। तो अब ये एग्जाम्पल नंबर अगर इस वाली को देखें तो इसमें हमें रिटर्न करवा रहा है फॉल्स, ये क्यों करवा रहे हैं, एक मिनट इसको आई थिंक सर ये इसमें एलिमेंट मेरे आया ख्याल से एस उन्होंने ये बिकम कहा है फॉल्स। कि दोनों स्ट्रिंग जो है वो सेम होनी चाहिए। एस में जो है वो सी करेक्टर पड़ा हुआ है और टी में बी पड़ा हुआ है। सी और बी दोनों जो है वो डिफरेंट है, मुझे जो लगता है वो इस वजह से फॉल्स रिटर्न किया होगा। इसके कॉन्स्टेंट में देखते हैं तो यहाँ से हमें ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसके कॉन्स्टेंट में कह रहा है एस एंड टी ओनली कॉन्टेन लोअर केस लेटर एंड हैश करेक्टर, यानी इसमें यहाँ से हमें कॉन्स्टेंट से कंफर्म हो गया, यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स को जैसे आपने सर कहा ना कि हमारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो आई थिंक ये सेम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ क्वेश्चन में भी नहीं डिस्कस हुआ, ये हमने एक लाइन नहीं पढ़ी ये वाली, ये लाइन पढ़ लेते हैं तो यहाँ से हमारे और क्लैरिटी हो जाएगी। वो कह रहे हैं नो डैट आफ्टर बैक स्पेसिंग एन एम्प्टी टेक्स्ट, एन एम्प्टी टेक्स्ट द टेक्स्ट विल कंटिन्यू एम्प्टी, इसका क्या मतलब, ये लाइन को एक्सप्लेन कर देगा। ये मेरे ख्याल से एक स्ट्रिंग के अंदर एक ही एलिमेंट हो और वो बैक स्पेस हो। हाँ ठीक है, और कोई सर इसमें ये कहना चाह रहा कि अगर हम कोई हमारे पास स्ट्रिंग है जैसे वो एग्जिस्ट नहीं कर रही और हमारे पास हैश आ गया और हम बैक स्पेस कर रहे हैं तो वो जो बेसिकली स्ट्रिंग है वो एम्प्टी ही रहेगी। हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा ये कह रहा है कि नो डैट आफ्टर बैक स्पेसिंग के बाद एन एम्प्टी टेक्स्ट, अगर हम लेट्स सपोज अब इसका मैं यहाँ पे सम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, तो ये हमारे पास एक एस नाम की स्ट्रिंग की है, बात मान के ऊपर आई थी ना, आपने क्या हरकत की? मैं माइक में नोट कर दूँ मैम का आई थिंक गलती से ओपन। अच्छा तो ना इसमें सिनेरियो ये है कि इस केस में ना हमारे पास लेट्स सपोज ये एक केस है, इसमें एक एलिमेंट है और एक हैश आ गया, राइट? अब इस केस में हमारा क्या सीन होगा कि हमने देखा हैश है तो हैश से पिछला एलिमेंट को भी रिमूव कर दिया, हैश तो रिमूव हुआ उससे पिछला भी एलिमेंट रिमूव हुआ, तो उस केस में हुआ कि हमने देखा कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो रहेगी एम्प्टी, तो इन केस द टेक्स्ट विल कंटिन्यू एम्प्टी, तो हमारा जो टेक्स्ट है एम्प्टी रहेगा, तो इसका मतलब अगर एम्प्टी है तो अगर इस केस में स्नैरियो क्या होगा, अब एक स्ट्रिंग तो हमारी एम्प्टी होगी, लेट्स सपोज एक स्ट्रिंग में हमारे एलिमेंट पर रह गए जी, उसमें लेट्स सपोज आप कर लें टू एलिमेंट्स पर हैं, तो हमारे चेक करेगा अगर ये दोनों की लेंथ बराबर है तो रिटर्न करवाना था ट्रू, अगर नहीं बराबर तो हमने फॉल्स। इस केस में हम देखेंगे हमारी ये जो एक तो एम्प्टी है और एक हमारी एक में एलिमेंट है टू, तो इस केस में हम क्या करेंगे सिंपली रिटर्न करवा देंगे फॉल्स, आई थिंक यही कहना चाह रहे हैं। उसके अलावा अगर किसी और के माइंड में कोई इसका आंसर आ रहा है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। सर एग्जाम्पल टू का नहीं ये मैम ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना ये वाली, सर इसमें यही कह रहा है कि हमारे पास अगर सिर्फ हैश आया हो, इसमें कोई टेक्स्ट हो ही नहीं। एम्प्टी टेक्स्ट का मतलब यही है कि उसमें हमारे पास टेक्स्ट ना ही हो, सिर्फ हैश हो। तो अगर हम हैश आ जाए तो बैक स्पेस अगर हम लगा भी ले तो वो कंटिन्यूटी एम्प्टी होना चाहिए, इसका मतलब यही है। लेकिन आपने जो कोड लिखा है मेरे ख्याल से इस पे
एम टी एरे से हम पॉप नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी एम टी हाँ है। जी यही मेरी मसला है जहन ना। मतलब है, जी अगर किसी को ज्यादा इलम हो तो प्लीज करेक्ट मी। तो इसमें जी मसला को यही है कि अगर हमारे पास सिर्फ हैश आ जाए तो इसमें ये आंसर वन डॉट पॉप ये मसला करेगा, ये नहीं चलेगा। जी ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो कोड में मसला है यही मैं कह, तो कोड में मसला क्या है वो मैंने जान के ऐसे लिखा है, ये तो मैंने सिंपल है आपको बता दिया जी, पुश करो पॉप करो काम हो गया। पर ऐसे नहीं होगा, पुश पॉप करेंगे तो हमारा ये तो सिंपल ये स्नैरियो चल जाएगा। बट इन केस के हमारा एक एरे में एलिमेंट्स ये जो ए में कोई भी एरे सपोज कर लेता, इसमें एलिमेंट्स ही एक एक्स है और हैश है, दो एलिमेंट्स हैं। और जो सेकंड एरे हमारी टी के नाम से जो भी दी होगी उसमें लेट्स सपोज आप कर लें कि उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी और हैश आ गए। अब उसमें ये जो पहली वाली स्ट्रिंग है उससे ज़्यादा एलिमेंट है दूसरी वाली स्ट्रिंग में, तो इन केस इसके लिए भी तो हम एक कंडीशन लगाएंगे। तो इसमें अगर अगर हम ये जो अप्रोच हमने यहाँ पे लगाई है, ये जो कोड लिखा है, तो ये कोड तो यहाँ पे क्रैश क्यों क्रैश होगा? इसका ये सिंपल ये सिनेरियो होगा कि हमने पहला एलिमेंट देखा है एक्स है, उसको अपनी स्टैक में रख दिया, हैश मिला, तो हैश के केस में हमने ये दोनों को रिमूव कर दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग बची, राइट। तो उसके बाद ये इस पे आ गए, इस पे हमें क्या मिला, तीन एलिमेंट है, पहला ए बी सी, तीन एलिमेंट्स मिले, हमने तीनों एलिमेंट को अपनी स्टैक में रख दिया। उसके बाद हमें हैश मिला, हमने हैश के केस में क्या किया कि जब अपने दोनों एलिमेंट्स है ना इनको रिमूव कर दिया, राइट। तो हमारे पास पीछे एलिमेंट पड़े ए बी, ए बचे ए बी, और इस स्ट्रिंग में क्या बचा, कुछ भी नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग, ये दोनों ही रिमूव हो चुके हैं। तो इसके लिए भी तो कोई केस बनाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे एक और कंडीशन आएगी। मैं कहता हूँ यहाँ पे इफ, वो तो हमने पॉप तो करवाना है, पर पॉप तभी करवाना है जब हमारी एरे में कुछ ये एलिमेंट भी हो। अब यहाँ पे अब लेट्स सपोज हमारी एरे ही अगर एम्प्टी है, एक एरे एम्प्टी है, यानी एक मिनट, यहाँ पे एस नाम से, एस वाली हमारी एम्प्टी है और जो टी वाली है उसमें कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं, टी में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो इसके लिए भी तो कोई केस बनाना पड़े। तो अगर हमारी एक ही एम्प्टी है तो इसको भी तो हैंडल करना है ना, तो क्योंकि हमने कोड अब रन करना है, हम कंपेरिजन एंड पे करेंगे अपनी स्टैक का, ये बराबर है इसकी लेंथ के नहीं, वो लेंथ कंपेयर करने वाला एंड पे काम है। बट उससे पहले हम ये क्या करवाना है, अपेंड और पॉप वाला ऑपरेशन परफॉर्म करें, यानी स्टैक में डालना है एलिमेंट के नहीं डालना। बट अगर इन केस के हमारे पास यहाँ पे ये जो गिवन स्ट्रिंग है वो ही एम्प्टी आ जाती है, इसके लिए भी तो कोई केस होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे पॉप तो करवाएंगे, अब यहाँ पे एम्प्टी होगी इसमें क्या पॉप करवाएंगे, कुछ भी नहीं यहाँ पे, तो मैं इसका मतलब एरर आ जाएगा। तो इसको लेकिन हैंडल, ये एरर हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पे सर एक और कंडीशन। जी सर मैं यही पूछ रहा था कि कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर तो इसका लेंथ एम्प्टी है ही नहीं, वो वन से ग्रेटर ही। हाँ एक मिनट, ओनली कंटेन लोअर केस नहीं, ये पर एंड कॉन्स्ट्रेंट में लेंथ एस की हैश लेंथ कैरेक्टर, हाँ वन से। एच की लेंथ और टी की लेंथ वन से बड़ी है, तो वन से स्टार्ट होगी और 200 तक जाएगी, ठीक है। एक मिनट, तो ये भी मसला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस केस में हम क्या करें, अब हमारे पास लेट्स सपोज अब से एम्प्टी इसका मतलब आ ही नहीं रही, अब ये भी तो एक केस होगा ना, तो इसको केस को भी हैंडल करने के लिए हम यही अपना ये जो अपना सारा ये एल्गोरिथम है ये यूज कर रहे होंगे। तो इसको इसको डिस्कस करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि लेट्स सपोज हमें ये एस दिया गया, एस की स्ट्रिंग, उसमें एलिमेंट्स हैं ए और हैश, राइट, ये ए की, और दूसरी एरे दी गई है उसमें एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमारे अब वहां से हमें कॉन्फिडेंट से पक्का हो गया एक एलिमेंट तो जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा, या अकेला ए हो सकता है, अकेला एच भी हो सकता है, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज करें कि यहाँ पे हमारा ए भी नहीं होता, अकेला एच आ जाता है स्ट्रिंग में, तो और टी में हमें कोई स्ट्रिंग में एलिमेंट्स आ जाते हैं ए बी हैश आ जाता है, ये भी तो केस हो सकता है, क्योंकि अब हमने कॉन्स्टेंट में उसने बता दिया कि भाई ये जो एरे ये जो स्ट्रिंग है ना आपकी उसमें एक एलिमेंट जरूर होने वाला है, यानी अगर यहाँ से लेंथ से देखें, उसने कहा है कि भाई आपकी एक से लेके 200 तक एलिमेंट हो सकते हैं स्ट्रिंग एस में भी और टी में भी, एक एलिमेंट जरूर होने वाला है। तो बट इसमें स्नैरियो ये होगा, अभी एक एलिमेंट तो है स्ट्रिंग में, हमने देख लिया एस में है, बट ये हैश है, और हैश के केस में हम क्या करें हैं? अपनी ये जो आंसर वाली एरे में उसमें स्पोप करवा लें। बट अगर हमें फर्स्ट में हैश मिल रहा है
और हमारी स्टैक में कोई वैल्यू ही नहीं पड़ी, तो हम यहाँ पे स्टैक का पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं और स्टैक में कोई वैल्यू ही नहीं पड़ी, इस केस में हमारा एरर नहीं आएगा? आएगा ना, तो इस केस को भी तो हम हैंडल करेंगे ना। सर आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, समझ आया आपको? सही है सर। ओके तो ठीक है, अब इस केस को हम कैसे हैंडल करेंगे? एक मिनट, तो इस केस को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन डिफाइन कर देंगे। हम कहेंगे इफ पॉप तो आपने करवाना है, बट ये सब पॉप करवाने से पहले ना एक चीज चेक कर लें। क्या चीज चेक करना? कहना कि लेंथ ऑफ आंसर वन वो क्या हो, वो ग्रेटर देन हो 0 से, फिर करवाना पॉप। फिर हम कहेंगे कि ऐसा करना, एक मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ। अच्छा तो ठीक है, अगर तो हमने यहाँ पे मैंने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी कि इफ लेंथ ऑफ सर हम स्टैक, इसी जगह ये भी तो कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ स्टैक मतलब कि स्टैक में कोई एलिमेंट है तो फिर वो उसको पॉप कराए वरना हम। हाँ मे बी ये भी अच्छी अप्रोच है, तो पहले हम इसको इसके हिसाब से देख लेते हैं, बाद में वो भी अप्लाई करके डेफिनेटली अगर हम सर अच्छी है। इसके पहले वाले इफ के अंदर ही स्टैक लिख दे और एंड आगे एंड का एंड करके ऑपरेटर लगा आगे दें। आई इज इक्वल टू जी। ओके ठीक है, मैं कहता हूँ कि आंसर, एक मिनट, स्टैक की जगह हमने यहाँ पे क्या लिया, आंसर की एरे बनाई है ना, जी इफ आंसर आंसर वन वन हो एंड, एंड ऐसी कह रही है? जी ठीक है जी, ये टू दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब भी हम ऐसे कर सकते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं, पहले एक केस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि इन केस में क्या होगा, हम चेक कर लेंगे कि स्टैक में कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है और जो करंट एलिमेंट है वो इक्वल आ गया हैश के, तो फिर क्या करना, स्टैक में स्पॉप करवाना, उसके अलावा सिंपली पेंड करवाई जाना। तो यहाँ दूसरी कंडीशन में भी इसका मतलब चेंजिंग आएगी, फर्स्ट में आई है तो दूसरी में भी तो पॉप के लिए यही कंडीशन लगाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह देंगे अगर आंसर टू में एलिमेंट कोई पड़ा हुआ फिर ये स्टैक ये आप पॉप वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, उसके अलावा पॉप वाला काम ही नहीं हो सकता है। तो उसके अलावा अगर ऐसा हैश नहीं है तो सिंपली पेंड करवा देना ये आंसर नंबर टू। तो इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं, रन भी हो रहा है क्या? ऐसे ही सर कोड में एरर है, वो आंसर वाला वन इंडेंटेशन एरर है सर। ओके, दैट आई थिंक इंडेंटेशन एरर होता तो यहाँ पे आ जाता इंडेंटेशन, हाँ फिर भी सर देख तो लेते हैं। ठीक जी है, ठीक है कहाँ पे सर। कर रहे हैं, इंडेंटेशन एरर नहीं है। अच्छा अब मसला यहाँ पे ये हो गया कि हमारा हमने कह दिया कि अगर आंसर में कोई एलिमेंट पड़ा हुआ फिर चेक करना, फिर पॉप करवाना। तो अब इस केस में हमारा सीन बना के अगर आंसर वन में कोई एलिमेंट पड़ा हो फिर हम पॉप करवा रहे हैं, तो आंसर वन में लेट्स सपोज पड़ा ही हैश है और करंट भी हमारा हैश आ गया, ये तो फिर मसला हो गया ना, हो गया ना। देखे ना, लेट्स सपोज हमारी ये जो स्ट्रिंग एस है उसमें एक हैश पड़ा हुआ है और जो टी है उसमें ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, आप हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चेक करो अगर आंसर ये जो आंसर वन है इसमें कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है फिर पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो उसके अलावा हम स्टैक में पेंड करवा देंगे जो करंट एलिमेंट हो। अब करंट एलिमेंट हमारा आ ही हैश गया है, उसको हम पेंड नहीं करवा सकते, तो ये तो मसला है, उसको हम पेंड नहीं करवा अगर है नहीं, पर इन केस इस केस में ये होगा कि हमारा जो करंट एलिमेंट हैश है, अब यहाँ पे चेक किया जी हैश है और आंसर में कोई एलिमेंट पड़ा हुआ, आंसर में भी कोई एलिमेंट नहीं पड़ा और करंट एलिमेंट हैश, पर एंड के सीन में ये होगा कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हुई। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो स्टैक है स्टैक वन में एलिमेंट को पेंड करवा देंगे। अब करंट एलिमेंट तो फिर पड़ा है हमारे पास हैश, इसको पेंड करवाएंगे आंसर वन में, हैश वाला तो हमारा काम ही नहीं हुआ, हैश तुम्हारी फिर आ गई ना स्टैक वन में, हैश को ही तो हमने रिमूव करवाना है, मसला ये है। तो ये कंडीशन तुम्हारी नहीं वर्क करेगी इस केस में, जैसे आप मैम ने कहा कि इसमें कोई वैल्यू बढ़ी होगी। इसके लिए एक स्पेशल एक और कंडीशन मैं यहाँ पे जैसे मैंने पहले लिखी थी इसके लिए बहुत स्पेसिफाई कर दूंगा, तो फिर उसको भी डिटेल में समझ लेते हैं वो क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूँ। आई थिंक ये कोड ये इंडेंटेशन एरर था यहाँ पे, जी इंडेंटेशन एरर था, एक मिनट सर सही कह रहे थे, एक दफ़ा इसको रन कर लें।
नहीं, इंडेंटेशन एरर नहीं था। अच्छा ठीक है, तो हमने देख लिया कि ऐसा नहीं हो रहा, हमारा काम ही नहीं हो रहा, उल्टे सीधे अगर ऐश हमें मिल जाता है, ऐश ही पेंड हो रहा है, ऐश ही तो हमने रिमूव करवाना है, तो मसला हो रहा है। इससे निकले हम बाहर, हमने स्टैक में कोई भी रैंडम एलिमेंट को नहीं देखना। अब हम एक और इफ कंडीशन, नेस्टेड इफ लगा देंगे, इसमें कहेंगे इफ लेंथ हो आंसर 1, वो ग्रेटर देन है 0 से, यानी 0 से बड़ी है, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उस केस में आप अपेंड करवाना। तो अगर ये हमने कंडीशन चेंज किया, डेफिनेटली हमें नीचे वाली भी चेंज करनी पड़ेगी। तो नीचे वाली में भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि को ये दोनों ये स्ट्रिंग है, उसमें सेम ही काम हो रहा होगा। अच्छा, तो दोनों चीज़ों में सेम ही हो रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी रिमूव किया यहाँ से, ये गया, और यहाँ पे मैंने एक नेस्टेड कंडीशन लगा दी, इफ लेंथ हो आंसर 2, वो ग्रेटर देन 1 0 से, तो इन केस मैं क्या करूँगा, स्टेप 2 में से एलिमेंट को पॉप करवा दूंगा। तो एक दफ़ा आप ये वाले कोड को भी रन करके देख लेते हैं। ये फिर एरर आ रहा है। अब मसला क्या है यहाँ पे, मसला ये है कि अब सर, हम जी मेरे ख्याल से सर ये 0 की जगह 1 आएगा। हाँ 0 की जगह 1 है, नहीं सर, आई थिंक यहाँ से 0 से बड़ा क्या होता है, 1 ही होता है ना। 0 से हमने कोई भी बड़ी एलिमेंट बड़ा एलिमेंट देख लिया होते हैं, 0 से बड़ा तुम्हारा 1 आ रहा है। तो जैसे देखे ना, अब 0 से बड़ा मैं चेक कर रहा हूँ, राइट? तो 0 से बड़ा मैं जब चेक कर रहा हूँ, तो उस केस में हमारा सीन हो रहा है। एक मिनट, मैं ना ये कोड को रिमूव करके दोबारा भी आता हूँ, मैंने जो प्रीवियस कोड लिखा था ना, इसको देख लेते। अच्छा, अब मैं चेक कर, ये 0 से बड़ा बड़ा है, यानी 0 से बड़ा से क्या मुराद, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब मैं यहाँ पे अगर चेक करने लग जाऊँ 1 से बड़ा है, जैसे आप कह रहे थे 1 से बड़ा चेक करूंगा, तो मसला ये हमारे पास होगा कि अगर मैं इसको 1 से बड़ा चेक करूंगा ना, तो ये सीन होगा, तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट जब 2 लेंथ 2 होगी, तब भी हमारा ट्रू होगा, यानी स्टैक में जो हमारे 2 एलिमेंट्स पड़े होंगे, तब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, उसके अलावा ये फॉल्स रहेगी। तो ये तो मसला है ना, स्टैक में एटलीस्ट हमने कहा एक एलिमेंट पड़ा हो, तो यहाँ पे तो ऐसे अगर 1 लिख दूंगा, वो चेक करेगा स्टैक में एटलीस्ट 2 एलिमेंट पड़े होने चाहिए, बट हमें हम क्या कह रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट पड़ा हो, इस वजह से मैंने यहाँ पे 0 लिखा। तो कोड को रन करके देखते हैं, वर्क भी कर रहा है जी, एक्सेप्टेड, ओके। अब इसको ना दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं, एक्चुअल काम कैसे हो रहा है। अच्छा, ये 2 स्टैक्स बनाई और हमने एस पे एक लूप लगा दी, राइट? हमने चेक किया इफ ये जो करंट एलिमेंट है वो हैश है, और जो हमारी लेंथ ऑफ ये जो हमारी करंट स्टैक है वो ग्रेटर देन है 0, यानी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, जितनी भी हो सकती है। तो हमने क्या करना है, इस केस में अपनी स्टैक में पॉप करवा सकते हैं, अगर स्टैक में कोई एलिमेंट मौजूद है उस केस में हम पॉप करवा सकते हैं, अगर नहीं है तो एल्स क्या, यहाँ पे हमने पिछले केस में ना एल्स नहीं लिखा था, इस वजह से हमारा आई थिंक वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली आंसर 1 में अपेंड करवा रहे होंगे अपना जो करंट एलिमेंट है, राइट? उसके बाद टी पे भी यही काम किया, बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही काम किया कि हमने टी पे भी एक लूप लगाई, चेक करेंगे अगर करंट एलिमेंट हैश है, तो अगर हैश है तो हम क्या करेंगे, अगर हैश नहीं मिलता लेट्स सपोज, फिर अपेंड हो जाएगा, अगर हैश मिल गया तो हम क्या करेंगे, फिर एक और कंडीशन को चेक करेंगे, एटलीस्ट है ये जो हमारा आंसर वाली स्टैक है उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट पड़ा होना चाहिए, तो अगर एक एलिमेंट पड़ा हुआ तो उस केस में हम पॉप करवा देंगे, अगर एक भी एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ तो इस केस में हम पॉप नहीं करवाएंगे। इसको एक दफ़ा पाइथन ट्यूटर पे जाके रन करके देखते हैं, तो वहाँ पे आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, यहाँ पे एक दफा ना कोड रन करके देख लेते हैं। अच्छा, इसको सर
यहाँ से अपने अरे को कॉपी करता और वहां पे पेस्ट कर देता। और दूसरी अरे को बिठा लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा अब इसको एक दफा ना विजुलाइज करके देख लेते हैं, ऐसे ही हो रहा काम जैसे हमने डिस्कस किया। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो नेक्स्ट किया और ये हमारी दो एरेज आ गई, ये स्ट्रिंग्स आ गई एस और टी। ठीक है, हमने एक स्टेप बनाई आंसर वन के नाम से और एक दूसरी स्टेप बनाई आंसर टू के नाम से। हमने क्या किया, एस पे एक लूप चला दी, लूप चल गई। हमने चेक किया अगर तो ये जो एस के करंट करंट ये जो एलिमेंट है एस पे अगर तो वो हैश है तो फिर ये इफ वाली कंडीशन चेक होगी, बट हमने देखा इस केस में हमारा हैश नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हैश नहीं है तो इसको ए को उठाएंगे और अपनी आंसर वन की स्टैक में रख देंगे। ये देखें आंसर वन की स्टैक में ये आ गया। फिर एक्सी नेक्स्ट सजेशन चली, अब हमारा करंट एलिमेंट होगा बी, तो हम क्या करेंगे चेक करेंगे क्या बी हैश तो नहीं, हमने देखा नहीं हैश नहीं है तो हम क्या करेंगे सिंपली अपनी आंसर वाली एरे में अपेंड करवा देंगे करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट हमारा कौन सा बी, उसको हमने बी को अपेंड करवा दिया अपनी आंसर वाली एरे में। राइट ठीक है, अब नेक्स्ट साइटेशन चली, इसमें हमारा करंट एलिमेंट आ गया हैश, तो यहाँ से हैश आ गया। अब चेक करेंगे इफ करंट एलिमेंट इज इक्वल टू हैश, हमने देखा जी करंट एलिमेंट हैश है तो फिर क्या करो, फिर चेक करो एक और नेक्स्ट कंडीशन लगाई, इफ लेंथ ऑफ आंसर वन ग्रेटर देन वन। कि हमने कहा कि इस केस में हम ये कह रहे हैं कि हमने चेक करना है कि स्टैक में एटलीस्ट जो स्टैक की लेंथ है ना वो वन से ग्रेटर हो, यानी एटलीस्ट उसमें एक एलिमेंट जरूर पड़ा हो, टू भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, सिक्स भी हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन से ए वन एलिमेंट जीरो से बड़े हो, वन से जितना मर्जी आगे जा सकते हैं। हमने देखा जी स्टैक में इस टाइम वन से बड़े एलिमेंट पड़े, यानी टू लेंथ है स्टैक की इस टाइम, तो इस केस में हमने देखा लेंथ तो ओके है। हम क्या करेंगे स्टैक ये जो आंसर वाली स्टैक है तो इसमें से अपेंड पॉप करवा देंगे। क्या पॉप करवाएंगे, जो करंट एलिमेंट हमने अपेंड करवाया होगा, हमने पेंट क्या करवाया था लास्ट टाइम, हमने बी पेंट करवाया था तो वो उसको पॉप करवा देंगे। यहाँ से हमारा बी पॉप हो गया राइट, तो हमारा अब स्टैक में एलिमेंट कौन सा बचा ए। फिर नेक्स्ट आइटरेशन चली, उसमें हमारा करंट एलिमेंट आया सी। ठीक है, तो हमने क्या किया सी को चेक किया, अगर करंट एलिमेंट इज इक्वल टू हैश है, हमने देखा करंट एलिमेंट हमारा सी है वो हैश नहीं है तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। हम एल्स वाले पोर्शन में मूव किए, एल्स वाले पोर्शन में हम ये कह रहे हैं कि आंसर में पेंड करवा दो करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट हमारा सी है वो आंसर वाली हमारे आंसर वन में पेंड हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर वन की स्टैक तैयार होगी। तो यहाँ पे हमारी आइटेशन मुकम्मल हुई, तो यहाँ से हमारा पॉइंटर डायरेक्टली सेकेंड वाली स्ट्रिंग की और लोग पे मूव कर जाएगा राइट। तो उसमें भी बिल्कुल ये सिनेरियो चलेगा कि पहला एलिमेंट चेक करेगा क्या हैश तो नहीं, हमने दिखा हैश नहीं है तो आंसर ए आंसर टू में पेंड करवा देगा वो वाला एलिमेंट, और फिर नेक्स्ट आइटरेशन चलेगी, हमने देखा नेक्स्ट एलिमेंट भी हमारा डी है यानी हैश नहीं है, फिर हमने हैश नहीं है तो हमने देखा दे इसको सिंपली हम अपेंड करवा देंगे अपनी आंसर टू में, हैश नहीं है तो हमने अपेंड करवा दिया अपनी आंसर टू वाली एरे में राइट। उसके बाद अच्छा तो अब फिर नेक्स्ट आइटरेशन चली, अब नेक्स्ट आइटरेशन में हमारे पास करंट जो एलिमेंट आया वो हैश आया, तो हमने चेक किया इफ जो करंट एलिमेंट हैश है, हमने देखा जी हैश है तो ये कंडीशन ट्रू हुई, तो ए इफ कंडीशन के अंदर हमारा कर्सर मूव कर गया। और यहाँ पे हमने एक और कंडीशन स्पेसिफाई की, हमने चेक करना है कि एटलीस्ट जो हमारी एरे में है ना उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट पड़े होंगे, हमने देखा जी एक से ज्यादा एलिमेंट है तो हमने क्या किया, अब एक से ज्यादा है तो कंफर्म हो गया इसमें से हम पॉप करवा सकते हैं, इसमें एलिमेंट मौजूद है, हमने क्या किया जो लेटेस्ट एलिमेंट को पेंट करवाया था उसको पॉप करवा दिया, लेटेस्ट हमने डी करवाया था तो उसे पॉप करवा दिया, में तुम्हारा ए बचेगा। फिर अच्छी नेक्स्ट सेशन चलेगी, हमारा बी इसमें अपेंड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेशन चलेगी, फिर हमारा हैश हैश आएगा, तो ऐसे करके हैश हमारा देखेगा हैश के केस में हमने कर लिया था तो ऐसे करके सी पेंड होगा, तो यानी ए स्टैक तैयार हो जाएगी।
एक ये स्टैक तैयार हो जाएगी। हम चेक एंड पे चेक करेंगे क्या ये दोनों स्टैक की लेंथ बराबर है। जी हमने देखा इसकी भी टू है, इसकी भी टू है, बराबर है, तो इन केस हम रिटर्न करवा देंगे ट्रू, यहाँ पे हमारा ट्रू रिटर्न हो जाएगा। जी कोड क्लियर सबको। अब इसमें एक एग्जाम्पल दी है वाली, ये एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें आई थिंक एक मैम कह रही थी ये कैसे वर्क करेगी, तो इसको भी आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे वर्क हो रहा होगा। इसको भी हम एक दफ़ा जल्दी जल्दी रन करके देख लेते हैं। कोड क्लियर है सबको? अब तो नहीं मसला किसी को सर कोड में। यहाँ पे वही वाली बात, क्या देखो जो मैंने कहा था कि स्टैक लगाए या ये सर काम तो ये भी वही कर रहा है, और स्टैक जो वो मैंने कहा था कि उसके अंदर लगाया आंस वन और एंड का, वो ये था कि एक ही इफ के अंदर दोनों स्टेटमेंट स्टैक हो रही थी और ये उसके अंदर नेस्टेड लूप में हो रही है, तब आई क्यों नहीं रन थिंक हुआ, रख क्यों हो रहा है? काम यही हो रहा है, एक मिनट, 0 से ग्रेटर देन है। मैं भी यही सोच रहा था, कंडीशन आई थिंक ओके थी। इसको एक मिनट मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब उस पर उसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वो क्यों नहीं मारी यहाँ पे अप्लाई हो रही। एंड और हम चेक करेंगे आंसर 1 में एटलीस्ट एलिमेंट पे पड़ा होना चाहिए, राइट? तो इसको मैं बैक पे लाऊंगा। अब वो भी ये वाला काम भी हो जाएगा आई थिंक। तब हमने ना एल्स का वो नहीं लगाया था, एल्स का ऑपरेटर ए कीवर्ड नहीं लगाया था, इसकी वजह से शायद एरर दे। अब चेक कर लेते हैं दोबारा। आंसर 2 अगर मैं लिखूं यहाँ पे, और इसकी इंडनेशन आई थिंक, इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसकी इंडनेशन को बैक कर देता। तो अगर हम इस केस को रन करके देखें, चेक कर लेते हैं, एक्सेप्टेड है वो। आई थिंक इस वजह से एरर आ रहा था, तब ना हमने ये एल्स का पोर्शन ही लगाया था, एल्स वाली कंडीशन ही लगाई थी, एल्स वाले कीवर्ड की वजह से मसला आ रहा था। मैं डायरेक्टली वो आंसर को करने के बाद, तो इस वजह से आई थिंक इशू था। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, आपने जो अप्रोच बताई थी एंड ऑपरेटर का यूज करके भी हम यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। तो क्लियर है सबको? एग्जाम्पल को भी वैसे देख लेते हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा ही है, जल्दी जल्दी से रन करके एक दफ़ा देख लेते हैं इसमें क्या सीन है। ये हमारी दो स्टैक बनी, पहला एलिमेंट ए है उसको पेंड हो गया, दूसरा एलिमेंट सी है, तो स्टैक में एलिमेंट ए हमारा पॉप हो गया, हमारी पी एम्प्टी हो गई। उसके बाद अगला एलिमेंट है सी, वो पेंड हो गया हमारी एरे में। उसके बाद सेकेंड लूप पे मूव किया टी वाली पे, टी में सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा है, वो पेंड हो गया हमारी एरे में। तो यहाँ पे हम फिर चेक करेंगे इफ लेंथ, अगर ये दोनों की लेंथ बराबर है तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, फॉल्स क्यों आ रहा है? अब यहाँ पे मसला आ रहा है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अब फॉल्स क्यों आ रहा है? हम यहाँ पे लिख रहे हैं इफ आंसर 1 इक्वल इक्वल टू आंसर 2। अगर सर आंसर यहाँ पे 1 लेंथ, यहाँ पे लेंथ नहीं चेक कर रहा, यहाँ पे कैरेक्टर्स चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे, ओके अगर हम पाइथन में अगर चेक कर लेना, आप चेक कर ले प्रिंट नेम स्मॉल लेटर्स में दे दे और प्रिंट नेम कैपिटल लेटर्स में दे तो वो फॉल्स देगा, क्योंकि कैरेक्टर वाइज वो चेक करते हैं, पाइथन की एक खूबी है कि ओके ये कैरेक्टर वाइज भी चेक करती है ट्रू सही फॉल्स। है। तो मैं इतना पाइथन से मेरा काम नहीं, इस वजह से आई थिंक मुझे इसमें इशू हो रहा था। जी सर आपने ठीक है करेक्ट कर दिया, अब हमें अंदाजा हो गया। जी मैम आप क्लियर? नहीं सर दोबारा रिपीट कर दे, क्या कहा है सर ने? हाँ सर ये मैम कह रहे हैं कि पाइथन में, जी मैम लेट मी आंसर हर, मैम जी जी सर पाइथन आप में यहाँ पे लेंथ चेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे कैरेक्टर्स चेक कर रहे हैं। अगर हम चेक देख लेना तो हमारे पास लास्ट में सी और बी बचता है, तो ये कैरेक्टर सेम नहीं है। तो पाइथन में जिस तरह हमारे पास इंटीजर्स वाइज हम कंपेरिजन कर सकते हैं, इस तरह हमारे पास करेक्टर वाइज भी कंपेरिजन होती है, क्योंकि अगर आप आस्की से फेमिलियर है तो आस्की में जो कैरेक्टर्स होते हैं स्मॉल लेटर्स की, आस्की वैल्यू जो अलहदा होती हैं और कैपिटल लेटर्स के अलहदा होती है। तो ये आप अपनी एंड पे चेक कर लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अगर आप ज़्यादा फेमिलियर नहीं है तो। तो यहाँ पे कैरेक्टर वाइज कंपेरिजन हो रही है, लेंथ वाइज नहीं हो रही। ठीक है सर।
ठीक है, मैं अपनी मीटिंग को एंड करते हैं, हमारा टाइम हो गया, तो बाकी फिर कल को कंटिन्यू करेंगे जो हुआ।